आज का ज़ोरदार मुकाबला क्वार्टर फाइनल का चौथा मैच, जिसमें एक तरफ भाग लिए हुए हैं जेजेसी मिशन लाइन और दूसरी छोर फिर हैं बीएमसी मिशन लाइन। दोनों ही टीम को बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करना होगा और अपनी टीम को आगे ले जाने के लिए जीत हासिल करना पड़ेगा। दोनों टीम सेमीफाइनल के लिए कड़े की टक्कर देने के लिए एक दूसरे से भिड़ने के लिए तैयार हैं। तो देखते हैं कौन सी टीम जीत हासिल करती है और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करते हैं। और यहां पर बीएमसी के पास बॉल, अच्छा मौका गोल दागने के लिए, पहला गोल लेकिन ब्लॉक। यहां पर बीएमसी के पास बॉल, रोसवाल जेजेसी के पास बॉल, यहां पर लेविन पास करते हुए लेकिन बॉल डिफेंस के द्वारा यहां पर पार बॉल और यहां पर कॉर्नर और यहां पर शानदार प्रयास गोल मारने का। यहाँ पर रेफरी द्वारा फाउल का इशारा और यह फ्री किक, अखिलेश लेने के लिए तैयार हैं जो कि एक खतरनाक पोजीशन पर फ्री किक और गोल। और यहाँ पर अखिलेश ने एक शानदार फ्री किक के द्वारा एक शानदार गोल दागते हुए अपने टीम को 1 पॉइंट से एक गोल से बढ़त बनाए हुए हैं। और यहाँ पर अनमोल द्वारा अच्छा प्रयास लेकिन गोलकीपर नथु द्वारा बेहतरीन से। यहाँ पर लिबिन द्वारा ट्राई करते हुए लेकिन यहाँ पर ब्लॉक। बेहतरीन हेडिंग अनमोल द्वारा और यहां पर अखिलेश द्वारा फिर से ट्राई गोल मारने की लेकिन नाकामयाब रहे। यहां पर कॉर्नर और यहां पर लिबिन द्वारा जबरदस्त प्रयास लेकिन गोल की पारने से अपने हाथों में ले लिया। और यहाँ पर जेजेसी द्वारा फिर से ट्राई करने की कोशिश लेकिन दोनों में कांटे की टक्कर हो रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बीएमसी के प्लेयर यहाँ पर बॉल को आगे ले जाते हुए और यहाँ पर फिर से जेजेसी की ओर बॉल लेविन द्वारा आगे बॉल को बढ़ाते हुए अपने पार्टनर राइजर को देते हुए और यहाँ पर लेविन और यहाँ पर फार बॉल फिर से यहाँ पर अखिलेश द्वारा अखिलेश के पास यहाँ पर बॉल, वे अपने बॉल को आगे बढ़ाते हुए शानदार स्किल दिखाते हुए यहाँ पर और यहाँ पर राउंड बॉल टापकी रे बोल रहे टापकी रे गोलकीपर के हाथों में बॉल और यहाँ पर अपने ही प्लेयर को बॉल से करते हुए यहाँ पर गोलकीपर
आर्मी वाला है खिलाड़ी, लेकिन रिंग में नहीं है। नीचे तुम्हारी उसकर खेले मैंने आर्मी वाला नीचे तुम्हें खेले बेहतरीन डिफेंस। और यहाँ पर बीएमसी अपने अपने कंट्रोल में रखते हुए बॉल को अखिलेश के खम्भों के द्वारा वो कीपर बैठे बॉल पकड़ते हुए पानी का चलते भागे ना बॉल तो और यहाँ पर गलती करते हुए जीएसी का प्यार बेहतरीन हेडिंग। यहाँ पर अखिलेश के पास वो नहीं जेसी के प्लेयर के पास और यहाँ पर पार। यहाँ पर बोल जेसी के पास अबे ऊपर चढ़ा बोल और यहाँ पर आउट। यहाँ पर जेसी के पास बोल और यहाँ पर ट्राई करने की कोशिश लेकिन नहीं कर पाए और यहाँ पर रेफरी द्वारा फाउल का इशारा फ्री किक और यहाँ पर शानदार टिकट लेकिन गोल कीपर द्वारा भी शानदार से पावेरे यहाँ पर जबरदस्त प्रयास जीसी द्वारा लेकिन नॉट बॉल। फिर से यहाँ पर प्रयास और यहाँ पर अच्छी डिफेंस करते हुए असल द्वारा लंबा फेंक नहीं रहा जो के पास बॉल राउंड मिले बाउंड्री के चारों जितने भी झंडे लगे हुए हैं ध्यान नहीं दे रहे और साथ ही जितने भी दर्शक हैं कृपया बाउंड्री लाइन के बाहर रहीजा के पास बॉल और यहाँ पर गलत पास इसे अजय द्वारा ट्राई लेकिन पोस्ट से बाहर। यहाँ पर रेफरी द्वारा हाफ टाइम का इशारा और यहाँ पर संदीप भाई लाइसमैन करते हुए इस खेल प्रतियोगिता में
यहाँ पर फिर से सेकंड हाफ स्टार्ट। और यहाँ पर जबरदस्त हेडिंग, और यहाँ पर अखिलास अच्छी ट्राई करते हुए लेकिन गोलकीपर के हाथों में, और अभी यहाँ पर जेसी के पास बॉल, जेजेसी के पास बॉल, और यहाँ पर अच्छे डिफेंस करते हुए बीएमसी की तरफ से फ्री किक, शानदार फ्री किक और एक बेहतरीन हेडिंग अनमोल द्वारा। और यहाँ पर अखिलेश बॉल को आगे की ओर दौड़ाते हुए, और यहाँ बेहतरीन कटिंग करते हुए या स्किन दिखाते हुए, और या बाहर बाहर की ओर बेहतरीन कटिंग करते हुए, या अंदर गोल मार सकते थे लेकिन बाहर की ओर, और यहाँ अनमोल के पास, और ये बेहतरीन शानदार गोल अनमोल द्वारा, जो कि बहुत ही दूर से या शानदार शॉट लेते हुए एक बेहतरीन गोल डाल चुके हैं। और यहाँ पर दो गोल से बढ़त बना चुकी है बीएमसी की ये टीम। और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होते हुए यहाँ पर आइजक द्वारा हेडिंग, और यहाँ पर जेसी यहाँ पर गोल दाग सकती है लेकिन यहाँ पर बीएमसी के द्वारा शानदार डिफेंस करते हुए अपनी टीम को दो गोल से बढ़त बना चुकी है। और अभी वह तीसरे गोल के प्रयास में, और यहाँ पर गोल, तीसरे गोल लेकिन नहीं हुआ। और यहाँ पर जेसी के पास बॉल, और यहाँ पर अच्छे प्रयास करते हुए जेसी के पास मौका, शानदार मौका लेकिन पोस्ट से ऊपर, समय अभी ख़त्म हो चुका है। अभी रेफरी कभी भी सीटी मार सकती है और यहाँ पर मैच को ख़त्म कर सकती है। और यहाँ पर मैच ख़त्म, और यहाँ पर बीएमसी अपने अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है।